हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। तो इसके पहले की जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज है वो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक बना करके मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ा हुआ है, तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को भी अच्छे से ज़रूर देख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोल रहे हैं। बोल रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। दो नंबर आपको निकालने हैं, फाइंड करने हैं, जिनका सम, जिनको जोड़कर 27 आ रहा है। तो भाई पहले नंबर को यहाँ पर हम एक्स मान लेते हैं और दूसरे नंबर को यहाँ पर वाई मान लेते हैं ना। आपको दो नंबर निकालने हैं जिनका सम 27 है। तो पहला एक्स मान लिया, दूसरा वाई मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें बोल रहा है दोनों नंबर का सम 27 है। तो एक्स प्लस वाई हो गया 27। इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, दो नंबर ये रहे एक्स और वाई, इनको जोड़कर 27 आ रहा है। ठीक है, लिख दिया। फिर बोल रहा है प्रोडक्ट 182 है, इनको मल्टीप्लाई करके यानी कि एक्स इंटू वाई कितना आ रहा है? 182। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके मेरे को एक्स और वाई निकालना है। तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूँ, y की वैल्यू क्या होगी? 27 माइनस एक्स होगी, है कि नहीं? और इसको मैं अगर 1 और 2 का नाम दे दूँ इक्वेशन को, तो y की वैल्यू क्या हो गई? 27 माइनस एक्स। और इस y की वैल्यू अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूँ तो क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 27 माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर, मैंने इसको 2 में सब्सटीट्यूट कर दिया, तो एक्स एक्स सेम रहेगा, वाई की जगह पर आ गया 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स को 27 से करा 27 एक्स, एक्स को एक्स से करा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 182। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहले आपका एक्स स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए, फिर एक्स वाली आनी चाहिए, और फिर कॉन्स्टेंट टर्म आनी चाहिए। ठीक है भाई, तो यानी कि ये रही एक्स स्क्वायर वाली टर्म, यहाँ पर लिख दिया मैंने सबसे पहले, फिर एक्स वाली टर्म 27x, और ये जो प्लस का 182 है वो इधर ले आओ, तो माइनस का 182 इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। देखो अब ये इक्वेशन इस फॉर्म में बन गई है, तो आपको हमेशा इक्वेशन को इसी फॉर्म में रखना है, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर सी। लेकिन सॉल्व करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है ना वो पॉजिटिव रहे। ठीक है, वैसे तो नेगेटिव रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहता है तो हमारे आंसर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है ना, तो हमने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का अभी मेथड सीखा है, फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में ही अगर हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, फैक्टराइजेशन मेथड में अगर आपको प्रॉब्लम है तो ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियोस मिल जाएगी, तो फैक्टराइजेशन मेथड जाकर के आप ज़रूर समझ लें। ठीक है ना, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो मैं आपको बता रहा था कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, मेथड लगाने से पहले इस बात पर ध्यान जरूर देना कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, अभी नेगेटिव में है। तो क्या करें, प्लस को माइनस, माइनस को अगर प्लस में शिफ्ट करना है तो तरीका ये है कि आप इन तीनों टर्म्स को ना उस तरफ शिफ्ट कर दो, उस तरफ। तो माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का एक्स स्क्वायर। प्लस का 27x उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का 27x। माइनस का 182 उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का 182। समझ रहे हो? अब देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया? प्लस। तो जब कभी भी आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ, फैक्टराइजेशन मेथड दोनों सेम ही होते हैं, जब भी लगाओ तो आप याद रखना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव ही रखना, इससे गलती होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अब इक्वेशन बन चुकी है, मुझे क्या करना है? दो नंबर ढूंढने हैं। मेथड क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ जो 1 लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना है 182 के साथ। तो 1 इंटू 182 कितना हो गया? प्लस का 182, और बीच में जो एक्स का कोएफिशिएंट है -27 वो भी लिख दो। अब आपको दो नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 182 आता हो। यार ये तो बड़ा तगड़ा ही काम लग रहा है मेरे को, नंबर तो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, जब भी आपको लगे यार नंबर बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो आप एलसीएम पकड़ो उसका, 182। तो ये 2 के टेबल में आएगा 91,
फिर 7 के टेबल में आएगा 13, 13 के टेबल में आएगा 1, तो ये हो जाएगा 14 और 13, तो नंबर हो गए 14 और 13। ट्राई करके देखते हैं बन रहा है कि नहीं। 14 इंटू 13 होता है 182, इसमें कोई शक नहीं है, और 14 और 13 को जोड़कर 27 भी आता है, तो मतलब नंबर है 14 और 13। अब आपको देखना है 14 और 13 को कैसे लिखूं कि माइनस 27 आ जाए, तो दोनों पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो पहला टर्म एज इट इज 27 टूट गया किसमें, माइनस के 14x में और माइनस के 13x में, और प्लस का 182 सेम। तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, बचा x माइनस 14, और माइनस का 13 अगर मैं कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, तो माइनस का 13 इसलिए कॉमन लिया ताकि प्लस का x हो जाए। जब भी आप माइनस कॉमन लोगे तो इसका जो साइन है ना वो दोनों के क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो माइनस x था तो प्लस x हो गया, और प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ताकि ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए। 13 के टेबल में 182 आता है 14 पर, इक्वल्स टू में 0। अब ये जो दो ब्रैकेट सेम है उसको लिखो x माइनस 14, और बाहर वाले जो नंबर है उसको लिखो x माइनस 13। तो एक बार आप x माइनस 14 के आगे 0 लगाओगे, और अगर आप x माइनस 13 के आगे 0 लगाओगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 14, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 13। तो भाई नंबर था x और y, x आ गया 14। देखो भाई अगर x 14 है, यहाँ पर 14 अगर मैं पुट करूँ तो 27 माइनस 14 कितना हो गया, 13। देखो भाई दोनों में ही y की वैल्यू कितनी है, 27 माइनस x। अगर आपका x आ चुका है तो आप y तो बड़े प्यार से निकाल सकते हो, तो अगर x 14 है तो y कितना हो गया, 27 माइनस 14 यानी कि 13। और अगर x 13 है तो y कितना हो जाएगा, 27 माइनस 13 इक्वल्स टू 14, यानी कि जो दोनों नंबर आ रहे हैं ना आपके वो आ रहे हैं 13 14। ये होगा इसका परफेक्ट आंसर, इनका सम है 27 और प्रोडक्ट है 182। ठीक है भाई, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि फाइंड टू कंजेकटिव पॉजिटिव इंटीजर। आपको दो कंजेकटिव, देखो भाई कंजेकटिव का मतलब होता है एक के बाद जस्ट नेक्स्ट, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर जैसा कि आप जानते हो 1 2 3 4, पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर की तरह बिहेव करते हैं पॉजिटिव इंटीजर जो है, ठीक है ना। तो आपको दो कंजेकटिव, अब कंजेकटिव का मतलब है कि अगर आपने मान लो पॉजिटिव इंटीजर माना 4, तो इसका अगला पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 5। तो ये इन दोनों की बात कर रहे हैं। अगर मान लो आपने माना 7, तो अगला क्या होगा, 8। अगर आपने माना 11, तो अगला क्या होगा, 12। तो कंजेकटिव का मतलब क्या होता है, जस्ट नेक्स्ट, उसी का अगला। तो ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये कंजेकटिव इंटीजर है, तो दो कंजेकटिव इंटीजर। तो पहला फर्स्ट कंजेकटिव, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मैं क्या मान लेता हूँ, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हम मान लेते हैं x। तो भाई सेकंड क्या होगा बता सकते हो आप? आप देख रहे हो यहाँ पे अगर 4 है तो अगला 5 है, 7 है तो 8 है, 11 है तो 12 है, तो आप देख रहे हो अगले वाला जो है एक ज्यादा है, ठीक है, 4 है तो 5 है, एक ज्यादा, 7 है तो 8 है। तो ऐसे ही अगर x है तो अगला क्या होगा, x प्लस 1। भाई जो भी पहला है अगला क्या है, 1 ज्यादा, 12 है तो 13, 18 है तो 19, तो x है तो x प्लस 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। बोल रहा है सम ऑफ हूज स्क्वायर्स, यानी कि अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनके स्क्वायर का सम। भाई मुझे बताओ x का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन का स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस वन का स्क्वायर बोल रहा है उनके स्क्वायर का सम कितना है, 365। बस अब इसको आपको सिंपली सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1, और इक्वल्स टू में चल रहा है 365। तो भाई ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये भी हो गया एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2x1, तो ये हो जाएगा 2x, 365। फिर से आपको क्या बात ध्यान रखनी है, इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला आ गया, फिर x वाला लिखेंगे 2x, फिर ये कांस्टेंट है और ये 365 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी कांस्टेंट हो गया, इक्वल टू में 0। तो एक्स स्क्वायर वाला मिल गया,
एक्स वाला मिल गया, और वन में से 365 गए माइनस का 364 इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर वाला आ गया, एक्स वाला आ गया, नंबर आ गया। अब भाई इसमें जब इक्वेशन आप बना लो तो यार एक बात पे ध्यान जरूर देना कि क्या इक्वेशन छोटी हो रही है। छोटी होने से मतलब है कि क्या कोई नंबर पूरी इक्वेशन में से कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। एक बार आपको इस बात पर ध्यान जरूर देना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो पूरी इक्वेशन में से कॉमन आ रहा है और इक्वेशन को छोटा कर रहा है। तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा तीनों में, तीनों ही टू के टेबल से जा रहे हैं, तीनों टू के टेबल से जा रहे हैं, मतलब टू इनका कॉमन फैक्टर है। तो पूरी इक्वेशन में से आप टू क्या ले लो, कॉमन ले लो। टू के अलावा और कोई नंबर नहीं है जो कॉमन आ रहा हो। तो टू कॉमन लिया तो इधर बचेगा एक्स स्क्वायर, टू कॉमन लिया तो इधर बचेगा एक्स। टू के टेबल में 364 आता है 182 पर, ठीक है भाई। अब टू क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, और जैसा कि आप जानते हैं 0/2 तो 0 होता है। तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है भाई। तो कैसे होता है, एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है 1, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 182 के साथ, माइनस का 182 आएगा, और बीच में जो लिखा हुआ है कॉएफिशिएंट, एक्स का कॉएफिशिएंट कुछ नहीं है तो प्लस 1 है ना। अब दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 182 आता हो, ये तो भैया यही बैठ गया, किस्मत चमक गई यार, यहाँ पे तो दोनों पे सेम चल गया। तो 14 और 13 दोनों को माइनस करके 1 भी आता है। तो 14 और 13 में कैसे साइन लगाऊं कि प्लस 1 आ जाए। तो आप कहोगे भाई प्लस का 14 ले लो और माइनस का 13 ले लो। तो एक्स स्क्वायर सेम, ये एक्स टूट गया किस में, प्लस के 14x में और माइनस के 13x में, माइनस का 182 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है, बचा एक्स प्लस 14। इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन आ रहा है, माइनस इसलिए कॉमन लिया ताकि दोनों के साइन प्लस हो जाए, क्योंकि इस ब्रैकेट में क्या है, प्लस है। तो माइनस 13 कॉमन लिया तो ये हो गया प्लस का एक्स, ये प्लस हो गया, और 13 के टेबल में 182 आता है 14 पर। तो ये दोनों ब्रैकेट हो गए सेम, इनको एक जगह लिखो, और अगले ब्रैकेट में ये बाहर वाले नंबर एक बार एक्स प्लस 14 के आगे 0, एक बार एक्स माइनस 13 के आगे 0। तो एक्स हो जाएगा माइनस 14 और एक्स हो जाएगा 13। देखो भाई इस आंसर को मेरे को रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसने बोला था पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, समझ रहे हो। तो ये तो भैया नेगेटिव इंटीजर है, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है भाई। यानी एक्स की वैल्यू क्या है, 13। तो अगर पहला नंबर 13 है तो अगला क्या होगा, जस्ट उसका नेक्स्ट 14। तो देखिए उम्मीद करता हूँ ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर मेरे समझाने में कोई भी आपको दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या कोई आपको पार्ट समझ में ना आया हो तब भी आप कमेंट करके मुझको ज़रूर बताएं। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।